नमस्कार, आभार। आज मैं आपको बताने वाला हूं घर की सुख शांति के पांच ऐसे उपाय जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। आपके घर का जो माहौल है वो हमेशा अच्छा रहेगा और आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी। हमारे पास बहुत सारी हमारी माताओं के बहनों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं है लेकिन घर में सुख शांति की कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि जब तक हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, हमारे घर में शांति नहीं होगी, चाहे हम महीने के लाखों रुपए भी कमा लें, उस रुपए का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि पैसा और शांति ये दोनों हमारे घर के लिए बेहद जरूरी होती हैं। अगर आप देखते हैं आज का यह एपिसोड तो यकीन मानिए आपके परिवार की सुख शांति कभी भी भंग नहीं होगी और आपके परिवार में हमेशा प्रेम रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों में मजबूती का आपस में व्यवहार रहेगा। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके देवी भगवती को प्रणाम करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। मैं पंडित नीति शास्त्री एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं घर की सुख शांति से जुड़े हुए उपायों के बारे में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपका परिवार हंसता खेलता खुशहाल रहे। सबसे पहला उपाय, घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी कोई संकट नहीं आता। अगर आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़े संकट से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और शाम के टाइम उस तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का एक दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। अगर आप मेरी बताई हुई इस बात को, इस प्रयोग को अपने घर में करोगे तो यकीन मानिए आप खुद चमत्कार देखिएगा कि आपके घर का जो माहौल है वो कितनी जल्दी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे शेयर भी जरूर करना है। तो दूसरा पॉइंट है कि परिवार में आप छोटी-छोटी बात उन पर गुस्सा करना आपको छोड़ना होगा। कई बार होता है कि कोई बात हमें पसंद नहीं आती है तो जो चीज होती है उसको आप इग्नोर करना आप सीखिए। जी हाँ, जितना अधिक आप चीज को इग्नोर करेंगे, माइंड नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों को ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, उतना ज्यादा आपके जो घर का माहौल है वो सकारात्मक रहेगा। और अगर आप जो छोटी छोटी बातें हैं उनको अच्छे से हैंडल करेंगे तो आप पाएंगे आपके जो परिवार का माहौल है वो पहले से काफी चेंज हो रहा है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। अपने घर में अशोक का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिन घरों में अशोक का पेड़ होता है वहां किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता, क्योंकि अशोक का जो पेड़ है वो सभी दुख शोक और भय का विनाश करने वाला होता है। अगर आप
को लगता है, आपके परिवार में बार बार नजर लगती है, या परिवार में किसी बाहरी पर्सन के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, या कोई ऊपरी बाधा का दोष आपको अपने घर में लगता है, तो इन सभी दोषों से मुक्ति पाने के लिए घर पर अशोक का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो आप अपना एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन सुबह के टाइम या शाम के टाइम परिवार में से कोई ना कोई सदस्य मंदिर या क्षेत्रपाल या आसपास जो धार्मिक स्थान है वहां पर जाना आप प्रारंभ करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर का अगर कोई वास्तु दोष है जो आपके घर की हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो अपने मंदिर जाएं, अपने धार्मिक स्थान जाएं, वहां जाकर जैसा आपको समय मिले, चाहे सुबह के टाइम चाहे शाम के टाइम, वहां जाकर आप पूजन करें, भजन करें, वहां से पुजारी जी से प्रसाद लेवें और घर आकर वह प्रसाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को देवें। ऐसा करने से भी देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होने लगता है और परिवार की छोटी मोटी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। बात करते हैं सबसे अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा सुख शांति रहे, आपके परिवार में हमेशा पैसे की बरकत रहे, तो हर सुबह या शाम को अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कहते हैं जहां पर हनुमान जी का भजन होता है, हनुमान जी का वंदन होता है, ऐसे घरों पर कभी भी बुरी चीज असर नहीं कर पाती। जय माता।